नेक्स्ट हम चलेंगे एक्सप्लेनेशन स्किल के बारे में। तो एक्सप्लेनेशन स्किल क्या है, जब आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, आपने बता दिया कि बच्चों आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन का मतलब होता है आपका जो टॉपिक है, आपका जो कंटेंट है, उसको सिंपल से सिंपल फॉर्म में, इजी से इजी वे में बच्चों तक पहुंचाना, उसको प्रेजेंट करना। तो क्या है, टू प्रेजेंट द कंटेंट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड मेक एक्वायरेबल इज नोन एज एक्सप्लेनेशन स्किल। यानी अपने कंटेंट को बिल्कुल इजी से इजी, जितने आसान तरीके से हम समझा सकते हैं उतने आसान तरीके से समझाना। कुल मिला के क्या हो गया, टू डिस्क्राइब हाउ व्हाई एटसेट्रा लॉजिकली। अब आप कोई नियम बता दे, ग्रेविटेशनल फोर्स बताया आपने, नियम बता दिया कि जो पृथ्वी होती है, धरती होती है, वो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब इससे कितने क्वेश्चन उठेंगे कि भाई क्यों आकर्षित करती है, कैसे आकर्षित करती है, तो इस तरह के क्वेश्चन उठेंगे ना। अगर आप उनका आंसर दे रहे हैं तो वही आपकी एक्सप्लेनेशन है। आप बता रहे हैं कि वो कैसे आकर्षित करती है, आप बता रहे हैं कि क्यों आकर्षित करती है, ऐसा क्यों है, तो वही तो की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है, यानी कि क्यों यूज किए जाते हैं हम एक्सप्लेनेशन स्किल को, जरूरत क्या है एक्सप्लेन करने की। एक्सप्लेन करने की जरूरत इसलिए है, इंपॉर्टेंस इसलिए है, या ऑब्जेक्टिव इसके उद्देश्य इसलिए है, टू ब्रिंग क्लियरिटी अपने टॉपिक के प्रति, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, जो विषय आप पढ़ा रहे हैं, उसके प्रति क्लियरिटी लाने के लिए, यानी बच्चों को वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। टू इंक्रीज रीजनिंग थिंकिंग पावर, बच्चों की तर्क शक्ति है, जो क्षमता है, सोचने की क्षमता है, उसको बढ़ा सके। आपने नियम तो बता दिया कि भाई धरती सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और कह दिया याद कर लो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, तो क्या उनमें कुछ भी सोचने समझने की शक्ति आई, नहीं, सिर्फ रटिफिकेशन हो गया, जो बताया जो को तो याद कर लिया। लेकिन जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली कि ऐसे होता है, तो क्या होगा, वो सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, मेंटल पावर को यूज़ करेंगे, रीजनिंग पावर को यूज़ करेंगे, तो उनकी वो डेवलप होगी। टू डेवलप नॉलेज अबाउट द कंटेंट, जो भी टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसकी जो नॉलेज है उस वो तो डेवलप हो रही है ना बच्चे के अंदर। तो यही इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, यही इसकी नीड्स हैं, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। आगे कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स इसके दो तरह के हैं, डू और डोंट, यानी कि क्या हमें एक्सप्लेनेशन के दौरान करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या करने चाहिए। बिगनिंग स्टेटमेंट्स, जब आप एक्सप्लेनेशन को यूज़ करें तो उससे पहले एक बिगनिंग स्टेटमेंट, एक या दो लाइन की एक स्टेटमेंट दे दीजिए। स्टेटमेंट का मतलब है एक बात बताना, एक या दो लाइन की बात आप बता दीजिए, जिससे आपका टॉपिक स्टार्ट हो सके, आपकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो सके। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन लिंक, एक्सप्लेनेशन में बीच बीच में आपको लिंक जोड़ते रहने चाहिए। फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, आपकी जो लैंग्वेज है, आपके जो बोल रहे हैं आप एक्सप्लेनेशन के दौरान, वो बिल्कुल एक धारा में, लय में होनी चाहिए, यानी कि फ्लुएंसी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच बीच में आप अटक गए, बीच बीच में आप भूल गए, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक फ्लुएंसी होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज में। दूसरा है यूज ऑफ टीचिंग एड्स, मैंने बताया था कोई भी टीचिंग स्किल्स हो, कोई भी माइक्रो स्किल्स हो, इस कॉम्पोनेंट्स को तो आप आँख बंद करके लिख सकते हैं, टीचिंग एड्स का तो हमें यूज़ हर जगह करना है। नेक्स्ट है टू क्लियर डिफिकल्ट वर्ड्स, आप कोई डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं उनको क्लियर करने के लिए आप एक्सप्लेनेशन देंगे, या एक्सप्लेनेशन के दौरान जो डिफिकल्ट वर्ड आ रहे हैं उनको क्लियर करना चाहिए तुरंत। क्वेश्चंस टू टेस्ट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, आप उनको बता रहे हैं, खोलकर उसको टॉपिक को बता रहे हैं, तो बीच में एक दो क्वेश्चंस भी करते रहने चाहिए साथ साथ, ताकि बच्चों का जो ध्यान है वो तो बना ही रहे, साथ साथ आपको ये भी पता लगता रहे कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। आप सिर्फ बोल रहे हैं और बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उस एक्सप्लेनेशन का क्या फ़ायदा, ठीक है ना। लास्ट में आप कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे देंगे, यानी कि जो आपका पूरा एक सार होगा, पूरे टॉपिक का, पूरे एक्सप्लेनेशन का जो सार होगा, वो आप एक उसमें लाइन में बता देंगे। कि अब देखते हैं क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो कोई भी इररिलेवेंट स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, यानी कि कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो उस टॉपिक से अलग हो। आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक्सप्लेनिंग में आप सिर्फ वही टॉपिक से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन कीजिए, किसी और चीज़ से रिलेटेड नहीं, ठीक है। लैकिंग इन कंटिन्यूटी, जो आप बोल रहे हैं उसकी जो कंटिन्यूटी है, ठीक है, यानी लगातार बोलने की, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, यानी बीच बीच में हमें अटकना नहीं चाहिए, बीच बीच में पॉज नहीं लेने चाहिए हमें, भाई हमें ज़रूरत के हिसाब से लेने चाहिए। ऐसा नहीं हम बीच में बोल रहे, बीच में बोलते बोलते ऐसे हम बीच में अटकने लगे, वो अटकना नहीं चाहिए हमें। अगर हम अटक रहे हैं तो उसको हमें सुधार करना चाहिए, उसमें हमें अपनी इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ब्लैक बोर्ड स्किल। नेक्स्ट है आपके ब्लैक बोर्ड स्किल, यानी कि श्यामपट्ट क्वेश्चन।
देयर इज नो टीचिंग विदाउट ब्लैक बोर्ड। भाई ब्लैक बोर्ड के बिना कोई टीचिंग संभव है नहीं। किसी भी सब्जेक्ट की ले लीजिए आप, हिंदी में आपको अगर कोई भी वर्ड लिखना है तो आपको ब्लैक बोर्ड की जरूरत है, इंग्लिश में आपको कोई वर्ड बताना है तो आपको ब्लैक बोर्ड की जरूरत है, और मैथ को तो 99% आप 100% ही आप ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब किसी भी सब्जेक्ट में ले लीजिए, आपको कोई वर्ड लिख कर बताना है जो कि हार्ड है, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तो ब्लैक बोर्ड का तो यूज़ आपको करना ही करना पड़ेगा। उसका तो कोई ऑप्शन है ही नहीं कि आप एक भी परसेंट यूज ना करें किसी में, बस किसी में ज्यादा किसी में कम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज ब्लैक बोर्ड फॉर अ गुड टीचर। एक अच्छे शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है कि वो ब्लैक बोर्ड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ब्लैक बोर्ड वर्क्स एट एज विजुअल एड्स इन टीचिंग। जो ब्लैक बोर्ड होता है, शैम्पट होता है, वो हमारे शिक्षण में विजुअल एड्स की तरह काम करता है। विजुअल एड्स यानी कि दृश्य सामग्री, यानी कि बच्चे उसमें जो आप लिख रहे हैं उनको देख पा रहे हैं ना, आंखों से देख पा रहे हैं, तो क्या हो गया, वो विजुअल एड्स की तरह वो काम करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके कहीं विजुअल एड्स की बात आए तो वहां पर आप ब्लैक बोर्ड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम, ब्लैक बोर्ड स्किल्स क्या है, ब्लैक बोर्ड स्किल में हम क्या सीखते हैं, क्वेश्चन में इन दिस स्किल, इस स्किल में हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं, लर्न करते हैं कि वाई व्हेन एंड हाउ वी शुड यूज ब्लैक बोर्ड, कि हमें ब्लैक बोर्ड का क्यों कब और कैसे यूज करना है, इन सभी के बारे में हम इस स्किल में सीखते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड भी आपके कई तरह के होते हैं। पहला होता है रोलर बोर्ड, आपने देखा होगा टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान आपको एक किट मिली होगी ना, उसमें आपको रोलर बोर्ड मिला होगा। रोलर बोर्ड वो होता है जिसको आप फोल्ड कर लेते हैं, जैसे कैलेंडर को आप फोल्ड कर लेते हैं ना, उसी तरह से आप बोर्ड को फोल्ड करके कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, तो वो तो होगा रोलर बोर्ड। दूसरा होता है पोर्टेबल बोर्ड, ये भी बोर्ड उसी तरह से होता है कि कहीं हम ले जा सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं, लेकिन ये वो नहीं होता, रोलर नहीं होता, यानी कि हम इसको फोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ये लाइट वेट होता है, बहुत ही जल्द आसानी से हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फिर है ब्लैक बोर्ड इंक्लिंड ऑन वॉल, कुछ ब्लैक बोर्ड जो दीवार में लगे हुए होते हैं, और ब्लैक बोर्ड लिंक्ड ऑन स्टैंड्स, कुछ ब्लैक बोर्ड ऐसे होते हैं जो कि स्टैंड्स पर टिके हुए होते हैं, पूरे फिक्स होते हैं, वे हम उनको ले जा नहीं सकते इधर से उधर, पोर्टेबल नहीं होते, लेकिन वो स्टैंड्स पर लगे होते हैं, वो किसी वॉल पर दीवार पर नहीं लगे होते। ठीक है ना, आगे चलते हैं टीचिंग एड्स फॉर ब्लैक बोर्ड राइटिंग। ब्लैक बोर्ड राइटिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है, चौक, डस्टर, पॉइंटर। पॉइंटर वो होते हैं जब कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको आपको पॉइंट करना हो, ठीक है ना, उसको बताने के लिए। ज्योमेट्री बॉक्स, स्टेंसिल ऑफ मैप्स, तो इनकी जरूरत हमें पड़ती है नॉर्मली तौर पर। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, एडिक्वेट स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड, जो आप लिख रहे हैं उनके बीच में बिल्कुल इक्वल, यानी कि एक उचित स्पेस होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी दो वर्ड्स के बीच में तो बहुत ज़्यादा स्पेस कर दिया और किसी दो वर्ड्स में स्पेस ही नहीं किया। ऐसे ही जो उनके साइज है, लेटर्स के जो साइज हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, कोई साइज बड़ा कोई साइज छोटा नहीं होना चाहिए। डिफरेंट साइजेस फॉर कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, अब आपके कुछ कैपिटल लेटर्स होंगे कुछ स्मॉल लेटर्स होंगे, तो जो कैपिटल लेटर्स का साइज है वो और जो स्मॉल लेटर्स का साइज है उनमें डिफरेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, ताकि बच्चे पता लगा सके हाँ ये कैपिटल है ये स्मॉल है। अब कुछ लेटर्स तो ऐसे होते हैं जो कैपिटल में अलग स्ट्रक्चर होती है, उनकी स्मॉल में अलग स्ट्रक्चर होती है, जैसे ए, ठीक है, ए अगर कैपिटल में लिखेंगे आप तो ऐसे बनेगा, स्मॉल में लिखेंगे तो ऐसे बनेगा। सेम बी, बी कैपिटल में लिखेंगे ऐसे बनेगा, बी स्मॉल में लिखेंगे ऐसे बनेगा, स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनका चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, स्ट्रक्चर सेम होती है, सी है, स्मॉल में भी ऐसे ही बनेगा कैपिटल में भी ऐसे ही बनेगा, तो उनका कैसे पता लगेगा स्मॉल है कैपिटल है, तो उसके साइज के हिसाब से। तो कैपिटल का लेटर का तो कैपिटल लेटर का साइज थोड़ा सा बड़ा लेंगे, ठीक है ना। अवॉइडिंग ओवर राइटिंग हमें नहीं करनी है कि हम कुछ लिख रहे हैं उसको बार बार काट रहे हैं या बार बार मिटा रहे हैं, तो वो काम हमें नहीं करना चाहिए। फोकस ऑन रिलीवेंट मैटर, जो सही मैटर है, रिलीवेंट है आपके टॉपिक से रिलेटेड, वही आपको पढ़ाना चाहिए। इरेज ऑल अननेसेसरी मैटर, जो एक्स्ट्रा मैटर हम यूज़ करते हैं उसको हमें इरेज कर देना चाहिए, मिटो देना चाहिए। अब जैसे आप मैथ्स के टाइम पे हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट के टाइम पे बीच में कुछ एक्सप्लेन करना होता है तो आप बोर्ड पर बना देते हैं, कोई ड्राइंग बना दिया आपने ऐसे ही, तो उन सबको लास्ट में रफ कर देना चाहिए जो कि अननेसेसरी है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यूज़ कलर चौक फॉर डायग्राम, डायग्राम को यूज़ करने के लिए हमें कलर चौक को यूज़ करना चाहिए ताकि वो इफेक्टिव हो। क्लीन कंप्लीट बोर्ड आफ्टर टीचिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स माना जाता है आपका ब्लैक बोर्ड टीचिंग में, कि जब आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर लें, जब आपकी टीचिंग कंप्लीट हो जाए, आप क्लास में निकलने से पहले आपको जो आपका बोर्ड है वो बिल्कुल क्लियर करना चाहिए, साफ करके रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चनिंग स्किल, यानी कि प्रश्नों को पूछने की स्किल। क्वेश्चनिंग स्किल क्या है, हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं,
कि वो उन्होंने कितना पढ़ा। अब ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना एक्सप्लेन के बाद, अब कुछ क्वेश्चन तो एक दो क्वेश्चन तो बीच बीच में पुट अप कर लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब एक्सप्लेनेशन के बाद जब हम टॉपिक पूरा पढ़ा देते हैं उसके बाद क्वेश्चनिंग करते हैं बच्चों से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएँ, क्या क्वेश्चन पूछना उचित है, ठीक है। तो वो चीज़ हम इस क्वेश्चनिंग स्किल में करते हैं, स्किल ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पूछने की स्किल, कौशल, ठीक है। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन अ शुड टीचर शुड आस्क, जो टीचर हैं शिक्षक हैं उनको किस तरह के क्वेश्चंस को पूछना चाहिए। क्वेश्चन शुड बी रिलीवेंट, जो क्वेश्चन है वो टॉपिक से रिलीवेंट होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए। जैसे कि आपका जो टॉपिक है वो सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे है, आप क्लास में गए, आपको स्वतंत्रता दिवस का जो जश्न है उसके बारे में बताना है। आप पूछ रहे हैं हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो क्या ये आपके टॉपिक से रिलेटेड है? नहीं है भाई, आपको स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताना है, देश के प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में नहीं बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट है आपका, ठीक है ना। दूसरा है व्हेन डू यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, आप इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो ये आपका टॉपिक से रिलेटेड है, तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ। आगे देखते हैं, क्वेश्चन शुड बी इन सिंपल फॉर्म, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में होना चाहिए ताकि आपके बोलते ही बच्चे को क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। हार्ड उसकी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए कि बच्चे को क्वेश्चन ही ना समझ में आए कि कैसी है। अब जैसे ये है, डज एनीवन नो व्हेन इंडिया गेट फ्रीडम, क्या कोई जानता है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली? और दूसरा है व्हेन डिड इंडिया गेट फ्रीडम, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो सिंपल सा फॉर्म है, आप सिंपल पूछे ना भारत को स्वतंत्रता कब मिली, घुमाने फिराने की क्या जरूरत है कि क्या कोई जानता है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो ये आपका गलत है और ये आपका सही है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में यूज करने चाहिए। नेक्स्ट है स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने चाहिए। अब जैसे है व्हाट डू यू नो अबाउट द रीजन ऑफ किंग अशोक, आप किंग अशोक के रीजन के बारे में क्या जानते हैं? और दूसरा है हु डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका को किसने डिस्कवर किया, खोजा? तो जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सही होने चाहिए, उसको ऐसे होने चाहिए जो भाई बच्चा बता भी दे, यानी कि बिल्कुल जिसके आंसर बिल्कुल एक स्पेसिफाइड हो, यानी कि विशेष, जिनके आंसर जो है वो निश्चित हो। अब इसका आंसर क्या निश्चित है कि आप किंग ऑफ शो के रीजन के बारे में क्या जानते हैं? अब कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कम बताएगा, कोई ज्यादा बताएगा, लेकिन इसका फिक्स है कि किसने अमेरिका को डिस्कवर किया। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड टीचर शुड नॉट आस्क, कौन कौन से क्वेश्चन है जो टीचर्स को नहीं पूछने चाहिए? यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, जिसमें यानी कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए जिसका जो आंसर हो वो हाँ या ना में हो, ठीक है। एलिप्टिकल क्वेश्चन आपको नहीं पूछने चाहिए, इको क्वेश्चन आपको नहीं पूछने चाहिए, रिटोरिकल क्वेश्चन आपको नहीं पूछने चाहिए। रिटोरिकल क्वेश्चन भी होते हैं जिसका कोई जवाब ही ना हो, अब कहते हैं ना कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया भाई इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, ठीक है। इको क्वेश्चन आपको नहीं पूछने चाहिए, साथ ही साथ इलेप्टिकल क्वेश्चन भी आपको नहीं पूछने चाहिए। इंपॉर्टेंस क्यों यूज करते हैं हम इसको, टू आस्क द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ पार्ट ऑफ टीचिंग प्रोसेस, ए गुड टीचर विल स्टैंड आउट बाय द क्वेश्चंस दे आस्क, जो क्वेश्चन स्किल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनिंग से ही टीचर बिल्कुल अलग हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन के दौरान क्या होता है कि टीचर स्टूडेंट से कनेक्ट होता है। अब पूरी एक्सप्लेनेशन के दौरान क्या होता है, बच्चे पूरी तरह से बैठे हैं, खाली टीचर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, टीचर्स बोल रहे हैं, टीचर्स समझा रहे हैं, टीचर कर रहे हैं सब काम। और जब क्वेश्चनिंग करते हैं तो बच्चे से कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है, उनके आंसर से हम सही गलत हम उनको बताएंगे, उनसे कनेक्ट होने का आपको चांस मिलता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, उद्देश्य क्या है, टू मेक टीचिंग इफेक्टिव, अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना, हर स्किल का उद्देश्य है कि अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना, आँख बंद करके उसका ऑब्जेक्टिव लिख दीजिए। टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर अटेंटिव, हमें पूरा एंश्योर करना चाहिए, पक्का करना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं वो अटेंटिव हो, यानी कि उनका ध्यान आपके क्वेश्चंस की तरफ हो, आपके टॉपिक्स की तरफ हो। टू एक्सेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट्स ने कितना समझा है, उनकी समझ तक पहुँचना उनका उद्देश्य है। टू क्लियरिफाई योर पॉइंट, किसी पॉइंट्स को क्लियर करना। कंपोनेंट्स क्या क्या है, बीइंग स्ट्रक्चर्ड, जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होने चाहिए, अच्छी तरह से होने चाहिए। एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन, जो भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, पार्टिसिपेशन यानी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जो आंसर दे रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको एनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। क्वेश्चन शुड बी फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर, जो आपका क्वेश्चन है वो ग्रामेटिकल एरर उनमें नहीं होनी चाहिए,
यानी कि व्याकरण की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन शुड बी रिलीवेंट और स्पीड ऑफ क्वेश्चनिंग शुड बी नॉर्मल। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो जिसकी स्पीड है बोलने की वो नॉर्मल होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपकी लास्ट आपकी स्किल्स है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। अब जो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है ये भी दो वर्ड से मिलकर बनी है, एक स्टिमुलस हो गया एक वेरिएशन हो गया, यानी कि उद्दीपन परिवर्तन। उद्दीपन क्या होता है सबसे पहले हम इसको देखेंगे फिर परिवर्तन को देखेंगे। परिवर्तन तो हमें पता है किसी चीज़ में चेंज आना, ठीक है, वेरिएशन आना। उद्दीपन के बारे में देख लेते हैं। उद्दीपन क्या है? स्टिमुलस रेफर्स टू एन एक्शन और कंडीशंस दैट एक्सीलरेट द एक्टिविटी एंड रेस्पॉन्सेज। स्टिमुलस क्या है? रेफर करता है यानी बताता है टू एन एक्शन, उस गतिविधि को, उस कार्य को, यानी कि आपको उस क्रिया को या फिर उस स्थिति को, परिस्थिति को, दैट एक्सीलरेट, जो एक्सीलरेट करती है। एक्सीलरेट का मतलब है इंक्रीज द चांस, चांस को बढ़ाती है। किस चांस को? द एक्टिविटी एंड रेस्पॉन्सेज, स्टूडेंट्स की जो प्रतिक्रिया है, जो रेस्पॉन्सेज है, उनको बढ़ाने का काम जो करे वो स्टिमुलस है। यानी कि जो छात्र हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं, ठीक है, पैसिव फॉर्म में रहते हैं, तो उनकी जो रेस्पॉन्स करने की जो एक्टिविटी है, उसका जो चांस है रेस्पॉन्स करने के, उनको जितने ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है उसी को हम उद्दीपन कहते हैं, जो उसको बढ़ाते हैं चांस को। परिवर्तन क्या हुआ? वेरिएशन मीन्स चेंज इन समथिंग, किसी भी चीज़ में चेंज आना। अब हम दोनों को एक साथ देख लेते हैं, स्टिमुलस वेरिएशन को। स्टिमुलस वेरिएशन इज डिस्क्राइब्ड एज डेलिब्रेट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ टीचर, टीचर के, शिक्षक के व्यवहार में, बिहेवियर में बदलाव, ठीक है। स्टिमुलस वेरिएशन क्या है? उद्दीपन परिवर्तन क्या है? शिक्षक के व्यवहार में बदलाव है, एक तरह से बीच बीच में जो टीचर्स के व्यवहार में जो बदलाव आता है उसको हम स्टिमुलस वेरिएशन कहते हैं, उद्दीपन परिवर्तन कहते हैं। इन ऑर्डर टू सस्टेन द अटेंशन ऑफ लर्नर्स, क्यों किया जाता है ये बदलाव? ताकि जो लर्नर्स हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका अटेंशन गेन किया जा सके, उनका जो ध्यान है वो केंद्रित किया जा सके थ्रू आउट द लेसन, पूरे अपने लेसन के दौरान। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य से टीचर यूज सम जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स एक्सेट्रा। अब ये जो दीपर परिवर्तन हमने कह दिया व्यवहार में चेंज, अब व्यवहार में चेंज का क्या मतलब है? व्यवहार में चेंज से मतलब है कि कुछ जेस्चर्स यूज करना। अब जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, अब मान लीजिए कोई टीचर है बिल्कुल सीधे खड़े हैं और एक ही पोजिशन में खड़े होकर पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, ना हिले ना डुले, ना उन्होंने हाथ हिलाया ना कुछ हिलाया, बिल्कुल रोबोट की तरह पढ़ा दिया, तो क्या वो अट्रैक्टिव होगा? नहीं होगा, वो उनकी टीचिंग बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगी। लेकिन एक टीचर है जो अपने हैंड मूवमेंट्स कर रहे हैं बीच बीच में बताते टाइम, अपने जेस्टर्स का यूज़ कर रहे हैं, बीच बीच में उठ रहे हैं, बीच बीच में बैठ रहे हैं जहाँ जरूरत हो, बीच बीच में वो क्लास के राउंड ले रहे हैं पीछे तक के, तो वो क्या होते हैं? वो उनके व्यवहार में चेंज है। अब एक टाइम पे तो वो बैठे हैं चेयर पे, बीच में ही खुद ही उठकर पीछे तक चले गए, या बीच में वो अपने हैंड मूवमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या हो गए? परिवर्तन हो गए, चेंज हो गए। किस में? टीचर्स के व्यवहार में, जिसको हम क्या कहते हैं। अब जब टीचर व्यवहार में परिवर्तन क्या करेगा, तो जो बच्चों का है, जो छात्रों का जो ध्यान है वो केंद्रित रहेगा, भाई टीचर्स की तरफ रहेगा ना उनका ध्यान, ठीक है, वो भूलेंगे नहीं, उनका जो ध्यान है वो इधर उधर नहीं भटकेगा। अब बीच में अगर टीचर से पीछे क्लास घूम के आएंगे तो जो पीछे वाले बच्चे भी होंगे उनका भी ध्यान आगे रहेगा कि पता नहीं कब सर पीछे आ जाए, कब मैम पीछे आ जाए। आगे देखते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या है। मूवमेंट्स, हमें बीच बीच में मूवमेंट्स करते रहना चाहिए, हिलते डुलते रहना चाहिए, जेस्चर्स को यूज़ करना चाहिए, फोकसिंग, फोकस करने चाहिए, पॉज, बीच बीच में पॉज लेने चाहिए। अब पॉज का मतलब यहाँ पर वो नहीं है जो कि मैंने पहले बताया था कि बीच बीच में अटकना नहीं चाहिए, ठीक है, फ्लुएंसी होनी चाहिए, वो एक अलग चीज़ है कि लय में होना चाहिए आप जो बोल रहे हैं। लेकिन पॉज का मतलब ये है, अगर आप एक लाइन को पूरा कर लेते हैं, आप एक सेंटेंस पूरा बता लेते हैं, तो उसके बाद एक सेकेंड का पॉज होना चाहिए दूसरा सेंटेंस शुरू करने से पहले। बिल्कुल लाइन बुक की तरह नहीं पढ़ना चाहिए आपको, कि जैसे बुक रीडिंग कर रहे हैं उस तरह से नहीं, बीच बीच में रुकना चाहिए। साथ ही साथ चेंज इन पैटर्न, यानी कि बीच बीच में जो आपका पैटर्न है उसमें भी चेंज करना चाहिए, यानी कि उतार चढ़ाव होना चाहिए। कहीं कहीं आवाज़ आपको स्लो करनी चाहिए, कहीं कहीं तेज़ करनी चाहिए, जैसी ज़रूरत है, ठीक है ना। अब जिस हिसाब से ज़रूरत है उस हिसाब से आपको चेंज करते रहना चाहिए, बिल्कुल एक ही फ्लुएंसी में, एक ही लगातार कंटिन्यूसली बोलते रहें, ना हमारी आवाज़ में उतार चढ़ाव हो, ना बीच में कोई पॉज हो, ना ब्रेक हो, तो वो तो बुक रीडिंग हो जाएगी, तो वो नहीं करना है, ठीक है ना।
तो दोस्तों ये थी आपकी पूरी कंप्लीट माइक्रो टीचिंग स्किल्स। माइक्रो टीचिंग क्या है, स्किल्स क्या है, इस वीडियो से ये दो पार्ट्स में आपकी वीडियोस है कंप्लीट, क्योंकि बहुत बड़ी हो गई थी, एक पार्ट में तो कंप्लीट कराना मुश्किल था। तो इन दो पार्ट्स में जो है इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, 5 से 10 नंबर का आपका क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं ये, और वेरी शॉर्ट्स में आपके इनमें बहुत कम आते, कोई कंपोनेंट्स वगैरह पूछ लेते हैं लेकिन अक्सर शॉर्ट में आते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर लॉन्ग में आते हैं तो लॉन्ग में आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा जहां पर आपको लेसन प्लान बनाने के लिए कहेगा। लेसन प्लान आपके माइक्रो और मैक्रो दोनों आपको तैयार करने हैं। माइक्रो की हर स्किल्स पे आपको एक लेसन प्लान तैयार करना है, और साथ ही साथ मैक्रो की एक कंप्लीट लेसन प्लान भी तैयार करना है। सजेशन यही रहेगा कि आप एक ही टॉपिक को लेकर चलें, उसी पर ही सारी स्किल्स का लेसन प्लान तैयार कीजिए, उसी पर ही आप मैक्रो लेसन प्लान तैयार कीजिए, ताकि आपको अलग अलग टॉपिक्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर भी हो जाएगा। और जब आप अलग अलग स्किल्स पर बना देंगे तो आप पूरा का पूरा एक साथ तो बना ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। उन स्किल्स को सबको एक साथ जोड़ दीजिए, और क्या है मैक्रो लेसन प्लान, जितने भी माइक्रो स्किल्स है सबको एक साथ लगा दीजिए, अरेंज कर दीजिए लाइन वाइज, सिस्टम वाइज, स्टेप वाइज स्टेप, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, यूजफुल रहेगी, आपके बहुत ज़्यादा काम की रहेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी है, थोड़ी भी यूज़फुल अगर आपको लगी है तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो जो मैं लाती रहूं वो आपको मिलती रहे। उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है, आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज मेरी अक्सर आती रहती हैं, तो उनको मिस ना करें, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतने ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।